बढ़ती महंगाई से सरकार की छवि पर कोई आंच ना आए, इस कारण नरेंद्र मोदी सरकार तुरंत ही एक्शन में नजर आ रही है। मुद्रा स्फीति में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही अनाज, फलों व सब्जियों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अनेक कदमों की घोषणा भी की। सरकार ने प्याज के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आलू के मामले में भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। आज हुई मंत्रियों की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार जरूरत की 22 चीजों पर नजर रखे हुए है। जेटली ने बढ़ती महंगाई के लिए आंशिक तौर पर व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों का भंडार रोके जाने को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि केंद्र आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से कहा कि वे स्टोरियों पर काबू पाने के लिए जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को जमाखोरी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे जीडीपी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से जमाखोरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट की डेडलाइन 13 जून थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक एक भी राज्य सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हालात बेहद खराब है। दिल्ली सरकार प्याज की कीमतों पर नजर बनाए हुए है और कीमतें बढ़ने की स्थिति में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार किसी कीमत पर मुद्रास्फीति बढ़ने नहीं देगी। कांग्रेस ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली पर उनकी उस टिप्पणी के लिए निशाना साधा जिसमें उन्होंने महंगाई के लिए जमाखोरी को आंशिक रूप से जिम्मेदार बताया है। पार्टी ने कहा कि सरकार काम न कर पाने और वादे के अनुरूप अच्छे दिन ला पाने में अपनी असमर्थता के लिए बहाने ढूंढने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़।